ओम बिरला बने लोकसभा स्पीकर। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने दिया ओम बिरला का प्रस्ताव, और साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन यहां पर किया। कोटा बूंदी से सांसद हैं ओम बिरला, और 3 बार रहे हैं विधायक और दूसरी बार सांसद बने हैं। आपको बता दें कि ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर बनाया जा चुका है, और अभी की बात करें तो कोटा बूंदी से सांसद हैं ओम बिरला। और साथ ही एक बड़ी बात, एक महत्वपूर्ण बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं ओम बिरला, और ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर बनाया जा चुका है और इसका समर्थन कांग्रेस ने भी लोकसभा में किया। आपको बता रहे पीएम मोदी ने ओम बिरला का प्रस्ताव दिया और इसको कांग्रेस ने भी यहां पर इस प्रस्ताव का समर्थन किया, और ओम बिरला नए स्पीकर यहां पर बन गए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि कोटा बूंदी से सांसद हैं ओम बिरला और 3 बार विधायक भी रहे हैं। कोटा से दूसरी बार सांसद बने ओम बिरला 17वीं लोकसभा के नए स्पीकर बन गए हैं। बिरला ने पदभार ग्रहण कर लिया है। पीएम मोदी ने बिरला को लोकसभा अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव रखा और जिसका सभी ने समर्थन किया। और आइए जानते हैं सांसद बिरला के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने का सफर। आपको बता दें कि ओम बिरला लोकसभा के नए स्पीकर बन गए हैं। पहली बार राजस्थान मूल के बने लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रीय राजनीति में बिरला का कद अब बढ़ गया है, सर्वोच्च शिखर पर पहुंच चुके हैं सदन के सितारे। कोटा बूंदी से सांसद हैं वर्तमान सांसद ओम बिरला, और भाजपा से 2 बार सांसद हैं ओम बिरला। संघ मोदी और शाह के काफी करीबी माने जाते हैं ओम बिरला। ऊर्जावान, अनुभवी और बेहतर प्रबंधन क्षमता के धनी हैं ओम बिरला। पिछले 30 साल से संगठन में सक्रिय माने जा रहे हैं और हाड़ौती की सियासत में कायम है उनका वर्चस्व। 2003, 8 और 13 में विधायक भी रहे हैं ओम बिरला। 3 बार विधायक और साथ ही 2 बार सांसद बने हैं। पहली बार 2003 में विधायक बने थे और पहली बार 2014 में सांसद बने थे। साथ ही आपको बता दें कि 2014 में सलाहकार समितियों के भी सदस्य रहे हैं ओम बिरला। 1992 से 95 तक राष्ट्रीय सह के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। राजस्थान सरकार में संसदीय सचिव और साथ ही छात्र संघ राजनीति के, उन्होंने अपना करियर छात्र संघ राजनीति से शुरू किया था। और आपको बता दें कि 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं ओम बिरला। सर्वोच्च पद का अब पदभार ग्रहण कर लिया है। पीएम मोदी ने बिरला के नाम का यहां पर प्रस्ताव दिया था और इसका जिसका समर्थन सभी दलों के साथ साथ कांग्रेस ने भी किया।